हाय गाइस, हैप्पी दिवाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने ये वीडियो बनाई, यहाँ पर मैं किसी कोई रिसोर्ट या रेस्टोरेंट या बार नहीं दिखाने वाली हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारे घर पे दिवाली कैसे सेलिब्रेट होती है, क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन हूँ और दर्शन, जिसको आपने बहुत सी बार वीडियो में देखा होगा, वो गुजराती है। तो आज लक्ष्मी पूजन है, तो हमारे यहाँ पे लक्ष्मी पूजन थोड़ा अलग तरीके से मनाया जाता है, जो गुजरात में नहीं होता है। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि हम लोग कैसे मनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं रंगोली से। तो लेट मी शो यू, ये हमने रंगोली बनाई हुई है। तो ये है मेरी रंगोली। हमारे यहाँ पे दिवाली शुरू होती है रंगोली से। तो ये आप देख सकते हो, मैंने ये एक रंगोली बनाई हुई है और हम इसमें अब दिया लगाएंगे। आई होप आपको मेरी ये रंगोली अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं और मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारे यहाँ पे आए हैं दर्शन के कजिन और उसकी वाइफ, तो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। तो ये है दर्शन। Hello. जिसको आपने बहुत सी बार मेरे साथ वीडियो में देखा होगा, हालांकि ये कैमरा शाय है, जैसे मैंने आपको बताया, इसलिए ज़्यादा आता नहीं है। ये है मनन। हेलो, हैप्पी दिवाली। और ये है इसकी वाइफ प्रियंका। हैप्पी दिवाली। तो ये लोग भी अभी रेडी हो चुके हैं और हम अब जाने वाले हैं बाहर घूमने के लिए, जैसे ये हमारा ट्रेडिशन होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, यूजुअली पूजा करते हैं और उसके बाद बाहर निकल जाते हैं, पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ से बालकनी से व्यू कैसा है। तो ये है हमारा डेकोरेशन और ये आप देख सकते हो, पूरा बिल्डिंग यहाँ से दिख रहा है, पूरा डेकोरेशन करा हुआ है। और ये है मेन रोड। ट्रेडिशन के हिसाब से हम लोग यूजुअली दिवाली के दूसरे दिन जाते हैं कहीं पे घूमने, और यूजुअली पिछले 4-5 साल से हमने वो ट्रेडिशन गोवा के लिए ऐसे रेस्ट्रिक्ट करके रखा है कि एवरी दिवाली हम लोग जाते हैं गोवा में। तो कल सुबह हम निकलने वाले हैं। सो गाइस, आपको ये वीक में काफ़ी सारे वीडियोस देखने मिलने वाले हैं, वो भी गोवा के। और आपको तो पता है कि गोवा हमारा फेवरेट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस गोवा पे कर रखे हैं। और अभी हम जा रहे हैं बाहर, अगर कुछ अच्छा दिखता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि हम आसपास इनको घुमाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आए हैं पुणे में। सो स्टे ट्यून्ड विद अस गाइस एंड हैप्पी दिवाली। हैव अ सेफ एंड एन्जॉय योर दिवाली। And now we are here at Palolem Beach. This is one of our favorite beach. और tradition के हिसाब से हम every Diwali के next day पे यहाँ पे आते हैं, just to relax and enjoy our Diwali. तो हम लोग अभी Palolem पहुँच चुके हैं। ये मेरा favorite beach है पूरे गोवा में। ये almost हम second या third time आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम north आते थे। और अभी ये kind of a tradition बन चुका है। कल थी दिवाली और आज है eclipse. और आज हम आए हैं Palolem पे। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक्लिप्स प्रॉपरली दिख रहा था, वो वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अब चलते हैं और एंजॉय करते हैं बीच को। हम दोपहर में वैसे गोवा तो आ चुके थे 3-4 बजे के आसपास। आने के बाद हमने जो पानी में एंजॉय किया और उसके बाद दिल खुश हो गया ये एक्लिप्स देख के। इतना क्लियर व्यू था ना एक्लिप्स का कि क्या बताएं। इट वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल। आफ्टर एंजॉयिंग द ब्यूटीफुल एक्लिप्स, उसके बाद हम रेडी हो गए एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर फायर क्रैकर्स। तो हम वैसे तो पटाखे लेके गए थे, तो हम अब बीच पे फोड़ने वाले हैं एंड इट्स गोइंग टू बी फन। Yeah.
यह है आर्ट रिसोर्ट। आपको पता है कि मैंने इसके रिलेटेड एक पिछली बार एक वीडियो बनाया था लास्ट ईयर, और इस बार भी मैं काफी सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें अपडेटेड है। सो 2022 में क्या क्या अपडेटेड है ये सारी चीजें आपको मेरे अगले वीडियोस में देखने मिलेंगी। तो चलो अब यहाँ पे हम करते हैं डिनर और एंजॉय करते हैं यहाँ के वाइब को। यहाँ पे लाइव म्यूजिक रोज होता है वैसे, तो यहाँ पे लाइव म्यूजिक एंजॉय करेंगे। सो गाइज आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये हफ्ते में आपको काफ़ी सारे वीडियोस देखने मिलने वाले हैं गोवा रिलेटेड, और मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस अभी अवेलेबल है गोवा में, क्योंकि ये अभी सीजन है। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंजॉय एंड फ्रॉम हियर द क्रेजी टाइम एट गोवा बिगिंस। सो दिस इज हाउ वी एंजॉयड आवर फर्स्ट डे इन गोवा। आज के लिए बस इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जैसे आपको पता है हम अभी गोवा जाके आए, और जब भी हम गोवा जाते हैं उसके आने के बाद लिटरली हमें ना आजू बाजू वाले पहचान पाते हैं ना घर वाले, सब बोलते हैं इतने काले हो गया है। और ये आपके साथ भी बहुत सी बार हुआ रहेगा, नो मैटर आप कौन सा भी सनस्क्रीन यूज करो। बट इस बार मैंने एक अच्छा सा सनस्क्रीन यूज किया, लेट मी टेल यू दैट, वो है क्लिनिकली का। क्लिनिकली का ये सनस्क्रीन SPF 50 के साथ आता है, और ये वाटर रेजिस्टेंट और स्वेट रेजिस्टेंट। तो जब भी ये मैंने यूज किया उसके बाद सीरियसली मुझे तो रियलाइज हुआ है कि कंपैरेटिवली स्किन मेरी कम टैन हुई है, और इस बार ड्राइनेस भी नहीं हुई है। तो मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ, और आज जैसे आपको पता है मैं जो भी बताती हूँ वीडियोस में वो मैं फर्स्ट अपने पे ट्राई करती हूँ, अगर मुझे सही लगता है तो ही मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो प्रोडक्ट है ये एकदम सॉफ्ट इजीली ब्लेंड होने वाला है, और स्किन को भी एकदम सॉफ्ट रखता है, जैसे मॉइस्चराइजर लगा है वैसे वाली फीलिंग आती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये है पैराबिन फ्री, अल्कोहल फ्री, सल्फेट फ्री, क्रुएल्टी फ्री और सिलिकॉन फ्री। और ये सबसे मतलब ऐसे तो नहीं बोल सकते कि सस्ता है, इट्स 899 द प्राइस इज ओवर हियर। बट वैसे देखा जाए तो मार्केट में आप कोई भी सनस्क्रीन लो तो वो अराउंड 500-600 तो आ ही जाता है, सो व्हाई नॉट यूज बेटर, एंड दिस रियली गिव्स अ बेटर रिजल्ट। तो इसको अगर आपको ऑर्डर करना है तो जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप अगर उससे ऑर्डर करते हो तो आपको 10% वैसे ही डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये इसकी ऑफिशियल साइट है क्लिनिकली, जो मैंने नीचे दी हुई है, तो जरूर चेक करना क्योंकि इसमें बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स भी है। अदर प्रोडक्ट्स आपको आपके स्किन टाइप के हिसाब से आपको कैटेगराइज करने मिलेंगे, और उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो। सो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ ये चीज़ को, और अगर ये चीज़ गोवा में चली है तो आप इसको रेगुलर तो यूज करोगे तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स तो बहुत ही सही आएंगे। ये आपको हार्मफुल सनरेज से बचाने के साथ साथ आपको फोटो एजिंग और DNA डैमेज से भी बचाता है। दिस प्रोडक्ट इज सूटेबल फॉर ऑल द स्किन टाइप्स, और अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है फिर भी आप इसको आराम से यूज कर सकते हो बिकॉज इट्स नॉन इरिटेंट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज विद द सेम नेम निकी डिटेल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।